आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे डिटरमिनेंट का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल्स। यहां पे तीन इक्वेशंस दिए हैं, 3x + 3y - 4z = 2 पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है 5x - y = 4 और तीसरा इक्वेशन है 8x + 2y - 3z = 7। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन के लिए तीन वेरिएबल्स है, एक्स, वाई एंड जेड। इसमें तीन वेरिएबल्स है, इसमें भी तीन वेरिएबल्स है, सिर्फ इस इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है। तो इसको तीन वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 5x - y, अब जेड नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हम लेंगे 0 × z = 4। इस इक्वेशन को हम एज्यूम कर लेंगे। अब इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हमें चार डिटरमिनेंट वैल्यू पता होना चाहिए। वो क्या चार डिटरमिनेंट वैल्यू है? D, D1, D2 एंड D3। ये चारों डिटरमिनेंट वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अब इन चारों वैल्यूज को कहाँ से मिलेगा? हर एक इक्वेशन में हर एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट से, और यहाँ पे इक्वेशनल वैल्यूज भी दिया है 2, 4 एंड 7। इन सभी चीज़ों को यूज करके हमें D, D1, D2, D3 इनका वैल्यूज मिलेगा। तो देखते हैं एक एक करके। तो D का वैल्यू क्या है, ये कौन सा डिटर्मिनेंट है? तो यहाँ पर जो तीन वेरिएबल्स है एक्स, वाई एंड जेड, इन सभी का जो कोएफिशिएंट्स है, उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया तो हमें डी मिल जाएगा। तो एक्स के लिए हमें क्या मिलेगा? 3, 5 एंड 8। यहाँ पर 3, 5 एंड 8 हुआ एक्स के लिए। अब वाई के लिए हमें क्या मिलेगा? 3 - 1 और 2। तो 3 - 1 एंड 2, 3 - 1 एंड 2। इसको ठीक से लिख लेते हैं 1 को 3 - 1 एंड 2। अब हमें क्या लिखना है जेड के लिए? जेड के लिए यहाँ पर -4 है, यहाँ पर जेड नहीं था तो 0 लिया था हमने कोएफिशिएंट को, तो -4, 0 एंड -3। अब यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो हम जो सेकेंड रो है इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 0 है तो ईजियर होगा। तो सेकेंड रो में इसका कोफैक्टर वैल्यू माइनस होता है, तो -5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 - 3 - -9, और यहाँ पे +8, तो -9 + 8 - 1। -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब -1 को लेंगे, इसका कोफैक्टर वैल्यू प्लस है तो -1 के साथ ही एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? -9, 3 एंड -3 - 9 +4 एंड 8, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस हो रहा है, तो 4 एंड 8 = 32। तो -9 + 32, तो हमें मिलेगा 32 - 9 = 23। 23 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -23। यहाँ पर हमें मिला -18, ये डी का वैल्यू हो गया। अब हम इन तीनों वैल्यूज को कहाँ से निकालेंगे? D1, D2, D3। तो यहाँ पर हमने एक एक कॉलम में एक एक कोएफिशिएंट लिखा था, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड। तो D1 पाने के लिए हमें एक्स की कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे, सिर्फ एक्स की कोएफिशिएंट, और वहाँ पर इस वैल्यू को, इक्वेशनल वैल्यू जो है 2, 4 एंड 7, इसको पुट करेंगे। वाई एंड जेड की कोएफिशिएंट्स को अनचेंज रखेंगे। सिमिलरली D2 के लिए एक्स एंड जेड को अनचेंज रखेंगे, वाई को चेंज करके 2, 4, 7 लिखेंगे। D3 के लिए एक्स एंड वाई को अनचेंज रखेंगे, जेड की कोएफिशिएंट को चेंज करके 2, 4, 7 यूज करेंगे। तो एक एक करके दिखाते हैं कैसे मिलेगा। तो D1 लिया तो हमें एक वाई एंड जेड को अनचेंज रखना है, तो 3 - 1 = 2 - 4 - 0 - 3। और एक्स की कोएफिशिएंट में जहां 3, 5, 8 था वहां पर हम पुट करेंगे 2, 4 एंड 7। अब ये डिटरमिनेंट वैल्यू को निकालना है, तो सेकेंड रो को फिर से लेते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं। तो 4 के लिए को फैक्टर माइनस है, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? -9 + 8, तो -1, तो -3 + 8 - 1 - 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +4 होगा, माइनस नहीं होगा। अब -1 को लेंगे तो -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 - 3 - 6 - 6 + यहाँ पर 28, तो 22 होगा। -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × -1 - 22, -18 हो गया। अब D2 लेंगे, D2 के लिए कौन सी कोएफिशिएंट को हम चेंज कर रहे हैं? Y की, और जेड एंड एक्स को हम सिमिलरली रखेंगे, जो था अनचेंज होगा, तो -4, 0 - 3 हो गया। 2, 4, 7 हमारा एक्चुअली जो इक्वेशनल वैल्यू था, तो वो वाई की जगह आ गया, और एक्स की जगह हमें प्लेस करना था 3, 5, 8। यहाँ पर हो गया 3, 5 एंड 8। अब इसका कोएफिशिएंट वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंड करेंगे,
तो 5 के लिए हमें कोफैक्टर वैल्यू -5 मिल रहा है, तो -5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को यहाँ पर ऑमिट किया, -6 और यहाँ पर +20, 4 and 7 -20 तो +28 हो गए, 20 - 6 दैट इज 22, 22 के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -110। अब हमें 4 के लिए करना है, तो 4 के लिए हमें क्या मिलेगा, -9 और यहाँ पर 4 and 8 32, तो 32 -9 दैट इज 23, 4 के साथ करेंगे तो 92, तो +92 तो हमें मिला 10 और इसके लिए 8 तो -18 फिर से। अब D3 को करना है, इसके लिए एक्स एंड वाई को अनचेंज रखेंगे 3, 5 and 8 और जेड को चेंज करेंगे तो 2, 4, 7 आ जाएगा जेड की जगह, और वाई में क्या था एक बार चेक कर लेंगे, 3 - 1 2, 3 - 1 2। अब यहाँ पर जीरो नहीं है तो किसी भी एक को ले लेते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं और एक्सपेंड करते हैं, 3 के लिए मल्टीप्लाई क्या होगा, -7 और यहाँ पे -8 तो -15, -15 के साथ 3 तो -45, इसका कोई फैक्टर है माइनस तो -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 and 7 35, -32 तो 3 मिला, -3 के साथ करेंगे तो -9। अब 2 के लिए क्या मिलेगा, 5 and 2 10 +8 18, 18 के साथ 2 दैट इज 36, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 9 and 5 दैट इज 54 और 54 से 36 माइनस हुआ तो 14 18, -18 फिर से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर D, D1, D2, D3 सभी का वैल्यू -18 आया है, D=D1=D2=D3=-18। अब हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या कैसे मिलेगा, ये तो कोएफिशिएंट मतलब जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू, तो इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है X=D1/T, इसका वैल्यू क्या आएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 1 मिलेगा। अब वाई का वैल्यू क्या होगा, D2/T, फिर से दोनों का वैल्यू एक है तो 1 मिलेगा। जेड को भी सिमिलर तरीके से निकालेंगे, D3/T, दोनों का वैल्यू सेम है तो 1 मिलेगा, तो मतलब क्या मिला, X=Y=Z=1, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।